परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जब भी आप ये गाना गुनगुनाते होंगे तो डल झील, हाउस बोट और मुगल गार्डन का सौंदर्य आपकी आंखों के सामने जरूर आ जाता होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर हमारी स्पेशल सीरीज 5 साल बदलाव बेमिसाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो सीरीज के पहले एपिसोड में आपने देखा श्रीनगर कैसे बन रहा है स्मार्ट सिटी। अब बात भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक डल झील। भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के मुकुट में हीरों का हार है डल झील। डल झील को 80 के दशक तक भारत के सबसे पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर याद किया जाता है। इसकी खूबसूरती देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरी 18 किलोमीटर में फैली डल झील पिछले कुछ सालों से अतिक्रमण और गंदगी से आहें भर रही थी, लेकिन 5 साल पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद डल झील को उसका नैसर्गिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे लौट रही है डल झील की रौनक। भारत की सबसे सुंदर झीलों में से एक डल झील का श्रीनगर के मुगल गार्डन से सौंदर्य देखते ही बनता है। डल झील के शिकारे या हाउस बोट आज भी सैलानियों की पहली पसंद है। श्रीनगर में वैसे तो तमाम होटल रिजॉर्ट हैं, लेकिन सैलानी इन हाउस बोट्स में रहकर झील का आनंद उठाना ज्यादा पसंद करते हैं। नेहरू पार्क, कानूटूर खाना, चार चिनारी जैसे द्वीपों और हजरतबल की सैर भी इन शिकारों में की जा सकती है। झील के बीचों बीच लगने वाले बाजार और दुकानों से आप दुनिया जहां का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। कमल के फूल, पानी में बहती कुमुदनी और तरह तरह की वनस्पतियां झील की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। देवदार की लकड़ी से बने हाउस बोट्स को फ्लोटिंग पैलेसेस भी कहा जाता है। इनमें कई परिवार आज भी रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से डल झील को नुकसानदेह काई यानी एल्गी ने अपनी चपेट में ले लिया। झील का नीला पानी हरा हरा सा दिख रहा है। झील में सिल्ट इतनी ज्यादा जम गई है कि कई शिकारे इसकी तह से टकराने लगे। अतिक्रमण से डल झील का पूरा इकोसिस्टम चरमरा रहा। डल झील अब सिकुड़ने लगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद डल झील को बचाने के काम ने रफ्तार पकड़ी है। झील से प्रदूषण हटाने का काम हुआ, ब्रिटिश जमाने में बना सीवेज ट्रीटमेंट प्लान दुरुस्त किया गया, डल झील के किनारों का रंग रोगन किया गया। पिछले साल डल झील के किनारे G20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। डल झील की गंदगी की एक बड़ी समस्या सीवेज एंड वेस्ट डिस्पोजल की है। सैकड़ों हाउस बोट्स का कमर्शियली इस्तेमाल हो रहा है लंबे अरसे से, और लंबे समय तक इनका सीवेज और कचरा बिना ट्रीटमेंट के डल झील में गिर रहा है, जिससे डल झील का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो गया। डल झील विकास प्राधिकरण ने प्रदूषण रोकने के लिए कई इंतजाम किए, जिनमें प्रमुख है झील में प्रदूषित पानी को गिरने से रोकना, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, झील में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को बढ़ावा देना, डल झील के कैचमेंट एरिया को साफ करना, झील के किनारे अतिक्रमण को रोकना, बोटिंग और पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित करना। डल झील को सजाने, संवारने और इसे पुराना स्वरूप देने में स्थानीय नागरिक भी बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। डल झील को साफ रखने के लिए क्लीन अप ड्राइव चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चे और आम लोग शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी शिद्दत से डल झील को बचाने के लिए जी जान से सहयोग दे रहा है। आखिर ये कश्मीर की शान है, श्रीनगर की पहचान है। पिछले 30 साल में डल झील डंपिंग ग्राउंड बनती जा रही थी, लेकिन अब ये सूरत बदल रही है। डल झील को संवारने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2021 में शुरू किया गया। तब से हाल ये है कि हर 3 महीने में डल झील से 15 से 20 ट्रक कचरा, सिल्ट और गंदगी बाहर निकाली जा रही है। नवंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डल झील से 4 प्रोजेक्ट शुरू किए। डल झील सनसेट प्लाजा, शालीमार इको पार्क, पदियारी चौक से निषाद बाग तक वॉकवे, झील किनारे निषाद बाग में साइकिल ट्रैक। इसी साल गर्मियों से डल झील में बैटरी से चलने वाली हाउस बोट्स भी शुरू की गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि डल झील को बचाने में फंड्स की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत डल झील से झेलम तक वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करने की योजना पर भी काम चल रहा है।
8 सीटों वाली और 20 सीटों वाली हाउस बोट से जल्दी टूरिस्ट और आम लोग डल झील से झेलम नदी तक की सैर और आवाजाही कर सकेंगे। जल्दी ही डल गेट से रैनवाड़ी होते हुए हजरत बल दरगाह तक जलमार्ग खोला जाने वाला है। 1960 के बाद ये पहली बार होगा जब लोग हजरत बल तक जलमार्ग से जा सकेंगे। डल झील को ज्यूल ऑफ श्रीनगर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सिविल सोसाइटी और पर्यावरणविद हर कीमत पर डल झील को बचाने में लगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्थानों का भी सहयोग लिया जा रहा है। संक्षेप में ये थी वो कोशिशें जो डल झील को बचाने और उसे उसका पुराना स्वरूप देने के लिए की जा रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस काम से जुड़ी तमाम लाल फीता शाही वाली बंदिशें हट चुकी है। डल झील फिर उसी खूबसूरती, उसी रोमांटिक फीलिंग के लिए तैयार हो रही है जिसे 60 और 70 के दशक की फिल्मों में दिखाया गया है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बात 1947 के बाद खूब कही सुनी गई। लेकिन अनुच्छेद 370 इसमें तमाम किंतु परंतु समेटे हुए था। तो 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली सरकार ने इस किंतु परंतु का नामो निशान मिटा दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कैसे देश की मुख्य धारा से जुड़ गया है, कैसे बन गया है राष्ट्रीय सरोकार और राष्ट्रीय विमर्श, इस पर बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारी स्पेशल सीरीज जम्मू कश्मीर 5 साल बदलाव बेमिसाल। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।